चीन आतंकी हमला हुआ है चीन पे, उससे भड़का हुआ है और उसको भी अब मनाने के लिए पाकिस्तान जो है मिन्नतें कर रहा है चीन दौरे पर, पाकिस्तान के विदेश गृह मंत्री और ISI चीफ। लेकिन हमले में मारे गए जो चीनी इंजीनियर्स हैं उनके अंतिम संस्कार में वो शामिल होने के लिए गए। हर कोशिश की जा रही है कि चीन नाराज ना हो जाए, कहीं हमला करने वाले आतंकियों पर रिएक्शन नहीं लिया तो चीन ने सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है, एक्शन की धमकी दिया और यही वजह है कि पाकिस्तान की हालत खराब है। सुमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हैं। इफ्तिखार साहब, बहुत आप जो देखिए, मेरी सीधी सीधी रिक्वेस्ट थी कि आप प्लान ऑफ रेफरेंडम बताइए, लेकिन आप नहीं बता रहे, आप सारी बातें कर रहे हैं, आप प्लान ऑफ रेफरेंडम नहीं बता रहे कि कौन लोग शामिल होंगे, इमरान खान क्या कहना चाहते हैं। कश्मीर में जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पे ये आपने मोदी साहब करके देख ले, इतनी दिलेरी और बहादुरी से पाकिस्तान ही बात कर सकता है। और पाकिस्तान जब ये बात करता है तो उसका भारत की तुलना कर रहे हैं, आप भारत से पाकिस्तान की तुलना कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? आप उस मुल्क की बात कर रहे हैं जहां के मुल्क के सबसे बड़े आदमी को आप लोग तख्ते पर लटका देते हैं। आप उस मुल्क से तुलना कर रहे हैं जहां पर सेना जब चाहे आपको उखाड़ के फेंक देती है सड़क पे, नेता जेल में रहते हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं इफ्तिखार साहब? सीधा सा प्रश्न है, सीधा सा उत्तर दीजिए कि POK में खान साहब ये जो गुब्बारा फुला के आए हैं रेफरेंडम का, वो गुब्बारा है क्या? हम भी तो देखे जरा। आप एक एंकर पर्सन की हैसियत से बोले, आप नहीं, आपने भारत की बात की ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात की, इसलिए आपको जवाब देना बनता था, आपको जवाब देना बनता था। लेकिन हम आपके खान साहब के बारे में पूछ रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे। मिर्जा साहब एक भी उत्तर नहीं दिया, एक भी आंसर नहीं दिया। मिर्जा साहब कहने को कुछ भी नहीं है, ये कलमे का रिश्ता एक फ्रॉड नारा है, ये झूठ बोलते हैं, इन्होंने हम पे कब्जा किया हुआ है, हम भारतीय नागरिक है सारे, गिलगित बल्तिस्तान और POK के अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन हम भारत के सिटीजन है जो पाकिस्तान की गुलामी में रह रहे हैं। ये मुझे ये बताएं, इस बात का जवाब दें कि जो इनके पास आज ये है जिसको ये आजाद कश्मीर कहते हैं, ये इनके पास आया कैसे? ये तो इनके पास इस तरह आया कि इन्होंने हम पे हमला किया और कब्जा किया हमारे ऊपर। ये कहते हैं कि इंडिया का IOK है, ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडियन, वो ऑक्यूपाइड कैसे? हमारे महाराजा ने तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच स्वीकार करने के लिए साहस चाहिए ना, नैतिक बल चाहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।